हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही खूबसूरत सा कफ स्लीव डिज़ाइन, जो कि दिखने में आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लगता है और आजकल ट्रेंड में भी है। आप देख ही सकते हैं ये कफ स्लीव बनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सा क्रिएट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं, जिनकी लंबाई मैंने 15 इंच और चौड़ाई मैंने 5.5 इंच रखी है। बट आप अपने स्लीव्स के बॉटम की चौड़ाई के हिसाब से ही ये 2 पीसेस लें। यहाँ पर मेरे स्लीव्स की चौड़ाई 15 इंच थी, तो मैंने 15 इंच का ये 2 फैब्रिक लिया है। इस तरीके से हमने छोटे पीसेस 4 लेने हैं, जो कि लंबाई में यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है। ये देखिए, ये हमारा 6 इंच है और चौड़ाई में हमने 3 इंच लिया है। इस तरीके से हमने 4 पीसेस लेने हैं और हमने इस तरीके से इन पीसेस पे डिज़ाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक हल्की सी डिज़ाइन ड्रॉ कर देनी है। डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने 4 पीसेस को कट कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने 4 पीसेस कट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपने भी 4 पीसेस को कट कर लेना है। देन इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमें इसको स्टिच करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने इस तरीके से एक पीस को रखना है और उसके ऊपर दूसरे पीस को इस तरीके से रखना, मतलब सीधे के ऊपर सीधा रखना, और इस तरीके से पूरे कॉर्नर साइड पर हमने सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है कॉर्नर साइड से पूरे में। अब हम इसे अंदर की साइड पलट देंगे, तो आप देख सकते हैं पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। उसके बाद हमें फिर से यहाँ कॉर्नर साइड पे इसे सिलाई लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से पूरे कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैंने अपने दूसरे पीस को भी बना लिया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी आस्तीन है उसको इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए, हमने हमारी आस्तीन को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो हमने 15 इंच के फैब्रिक को कट किया था उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बराबर करके फोल्ड कर लेना है। और जो हमारी आस्तीन है उसको हम उल्टी साइड से पलट लेंगे, यानी कि सीधी साइड नीचे करेंगे और उल्टी साइड ऊपर, और उसके ऊपर इस तरीके से फोल्डेड पट्टी को रखना है। और ये जो हमने बनाया था इसे इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको रख देना है और यहाँ कॉर्नर साइड से पूरे में सिलाई लगा देना है। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते चले आना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं हमने पूरी सिलाई लगा लिया। अब हम इसको इस तरीके से सीधे साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको सीधे साइड की तरफ पलट लिया है। अब यहाँ हमने कॉर्नर साइड पे फिर से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है और इसे इस तरह से रख कर यहाँ पर हमने कोई सी भी आप फैंसी बटन या अपने सूट के ही फैब्रिक का ही बटन बनाकर आप लगा सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी दोनों आस्तीन को बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये बनकर तैयार हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।